आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। I'm very, very happy and a great honor comes more here, this ashram. Since many years, we know each other. And also, I know, you see, this also. So now, I think essentially, we three sadhu. Differences they have the, or the bear, one white bear and black bear. I have no bear. But actually, we all following the 1,000-year-old India's tradition. So in philosophical field, there is differences. Even within Nalanda tradition, in philosophical field, there are differences. It is necessary. Different people, different mental disposition, we need different philosophical thinking. However, all the Indian tradition, they practice three practices: Shila, Shamatha, Vipassana. We are same. So, the Buddha himself, the follower of ancient Indian tradition, accept differences, Atma and Anatma. But that is our private business. So, we carry the 1,000-year-old India's culture or India's sort of concept, Ahimsa, Karuna. And that also not only through prayer, but analyze about our emotion and with fuller knowledge, with system of our emotion, then you see, try to reduce anger, hatred. These are the sources of violence. So India's main teaching is Ahimsa. And action level, Ahimsa, non-violence. Mental level, Karuna. Karuna is the opposite or counterforce of anger, hatred. So these are Indian tradition. We all follow that. So that 1,000-year-old India's tradition, Ahimsa and Karuna, I feel today's world, now 21st century, I think these Indian tradition very, very relevant today's world. मैं इस आश्रम में यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो इससे पहले भी दो बार आ चुका हूँ, और आकर के मैं अपने आप को भी एक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतने अच्छे इस पर्यावरण में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वाकई प्रशंसा करता हूँ, और स्वामी जी को मैं काफ़ी वर्षों से जानता हूं, तो मेरे आसपास दो स्वामी जी बैठे हैं, तो और एक मैं, तो यहाँ तीन जो संत या साधु बैठे हुए हैं, उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि एक की सफ़ेद दाढ़ी है, एक की काली, और एक की कोई दाढ़ी नहीं है। जहाँ तक अभ्यास के तौर पर हम बात करें, तो हम लोग प्राचीन जो भारतीय ज्ञान है उसका हम अभ्यास करते हैं। पहनावा अलग हो सकता है, सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो मूलभूत बातें हैं वो हम सभी की समान हैं। सिद्धांत इसलिए भी अलग होते हैं क्योंकि लोगों की अलग अलग आवश्यकता होती है, लोगों को अलग अलग तरीके के दर्शन की आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ तक जो मूल शिक्षाएँ सील, समाधि और विपश्यना, ये सभी भारतीय प्राचीन जो परम्परा हैं सभी में विद्वान हैं, और हम सभी उसको पालन करते हैं। तथागत बुद्ध भी
उन्होंने भी विपश्यना समथ और शील का अभ्यास करके ही उन्होंने भी बुद्धत्व की प्राप्ति की थी। और जहाँ तक आत्मा और अनात्मा का जो सिद्धांत है, ये अपना व्यक्तिगत व्यवहार है। हम लोग जो बौद्ध लोग अनात्मा को मानने वाले हैं, हमारा अपना व्यक्तिगत अभ्यास है। अन्य बौद्धेतर हैं जो आत्मा को मानने वाले हैं, वो उनका अपना अभ्यास है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अपना अपना अभ्यास हो सकता है। और हमने अभी तक जो आपकी भारतीय जो अहिंसा का सिद्धांत है, हजारों वर्षों से उसको जिया है, उसका अभ्यास करके रखा हुआ है। तो इस प्रकार का अहिंसा और करुणा का अभ्यास कोई प्रार्थना के द्वारा नहीं, पूजा पाठ के द्वारा नहीं, उसका अभ्यास ज्ञान के आधार पर हमने अभ्यास किए हैं। तो इसका अभ्यास करने से हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो क्रोध है, जो अहंकार है, ईर्ष्या है, वो नष्ट हो जाती है। भारत की जहाँ तक प्रमुख संदेश की अगर बात करें, तो वो अहिंसा का सिद्धांत भारत का एक प्राचीन सिद्धांत रहा है। चर्या हमारी अहिंसा रूपी होनी चाहिए और व्यवहार करुणा के रूप में होना चाहिए, अर्थात अभ्यास करुणा का अभ्यास हमें करना चाहिए। अहिंसा और करुणा के आज के समय में भी बहुत ही ज़रूरत है। प्राचीन समय से लेकर के पिछले कई हजारों वर्षों से लेकर के आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि आज से 2500-3000 वर्ष पहले था। धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हो, देखते रहिए ब्रज भूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का। प्यारा